श्री विष्णु चित्त कुल नंदन कल्प वल्लीं श्रीरंग राज हरिचंदन योग दृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये। आज धनुर्मास का तीसरा दिन है, इसीलिए हम तिरुपावई के तीसरे पासुरम या श्लोक का अनुसंधान करेंगे अर्थ के साथ। ओंगी उलगलंद उत्तमन पेर पाड़ी नांगल नंबावैक चाट्री नीराडिनाल तींगिन्रि नाडल्लाम तिंगल मुम्मारि पेदु ओंगु पेरुम सेन्नलूडु कयलुगल पूंकुवळै पोदिल पोरिवंडु कण्पडुप्प தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரெம்பாவாய். கோதாதேவி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணகோ பானே கே லியே உன்ஹீ கி உபாசனா கர்த்தி ஹே அப்னே ஸ்ரீ விரத் கே த்வாரா. இஸ் ஸ்ரீ விரத் கோ करने के लिए वे अपने सहेलियों को भी बुलाती है और उनको समझाती है कि इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए। दूसरे पासुरम में या श्लोक में उन्होंने यह बात बताई थी। अब वह आगे कहती है कि अगर हमने यह व्रत किया तो लोगों को भी उससे कुछ अच्छा मिलना चाहिए, मतलब गोकुल के सारे लोग इन लड़कियों को व्रत करने दे रहे हैं, उनको अनुमति दे रहे हैं जाके व्रत करने के लिए। अब ऐसा उचित काम करने के लिए उन्हें कोई प्रत्युपकार या सम्मान मिलना चाहिए। गोदा देवी कहती हैं लोगों को बहुत ही अच्छा प्रत्युपकार या अच्छाई मिल सकती है इस व्रत के द्वारा। इस व्रत के द्वारा इन लड़कियों को भगवान श्री कृष्ण को पाना है और गोदा देवी कहती है कि इसी व्रत के द्वारा लोगों की भी भलाई हो जाएगी। ये कैसे हो सकती है, ऐसा सवाल मन में आता है। उसका उत्तर यह है कि भगवान की उपासना अगर की जाए तो भगवान नारायण स्वयं अपने आप को प्रदान करते हैं, उसके साथ साथ जिसको भी जो भी मनोरथ हो वह आनुषंगिक रूप से पूरा हो जाता है। अंग्रेजी में इंसिडेंटली ऐसे कहते हैं। प्रधान फल जो है वह नारायण खुद है, वो तो मिल ही जाता है, उसके साथ साथ जो भी अच्छा फल हम मांगे वो सब भी इंसिडेंटली आनुषंगिक रूप से मिल जाएगा। यह बात इस तीसरे पासुरम में या श्लोक में आंडाल कहती है, गोदा देवी कहती है। गोदा देवी कहती हैं हमने अपने व्रत करते समय अगर भगवान का नाम लेकर संकीर्तन किया तो हमें सारे ऐश्वर्य मिल सकते हैं। नींगाद सेल्वम निरैंद, ऐसा वो श्लोक के अंत में कहती है। नींगाद सेल्वम का मतलब है हमेशा टिके रहने वाला ऐश्वर्य। ऐसा ऐश्वर्य हमें मिलेगा अगर हमने भगवान के बारे में गीत गाए तो। किस भगवान के बारे में? ओंगी उलगलंद उत्तमन पेर पाड़ी, उस दिन जिस भगवान वामन ने त्रिविक्रम का अवतार लिया और इन तीनों लोकों को अपने पद चिन्हों के नीचे माप किया, उस भगवान के नाम का संकीर्तन करके अगर हमने हमारा व्रत किया तो
नांगल नंबा वैक चाट्री नीराडिनाल, ऐसा कहती है। नम पावई का मतलब है हमारा व्रत, अगर हमने हमारे व्रत के लिए ऐसा नाम संकीर्तन करके भगवान की उपासना की तो क्या मिलेगा, नींगाद सेल्वम निरैंद, टिके रहने वाला ऐश्वर्य मिलेगा। टिके रहने वाले ऐश्वर्य का मतलब क्या है यह भी इसी पासुरम में समझाती है आंडाल। तींगिन्रि नाडेल्लाम तिंगल मुम्मारि पेद, अगर समृद्धि चाहिए किसी भी बात की तो बारिश बराबर होना चाहिए। अगर बारिश अपने निर्धारित काल पर आ जाए और उस मात्रा में आए जिससे चाहत के जितना पानी सिर्फ मिले, इसका मतलब है बाढ़ ना होए लेकिन समृद्धि से पानी रहे, इतना बारिश अगर अपने उचित काल पर आता है तो समृद्धि हो जाती है पूरे देश की। तींगिन्री नाडेल्लाम का मतलब है बारिश होए और उससे देश को कोई हानि ना पहुंचे, बहुत बारिश आए लेकिन बाढ़ ना आए। तिंगल मुम्मारी पेद, यह बारिश जो है वह काल पर आना चाहिए, मतलब है बारिश के मौसम पे बारिश होना चाहिए, वह छोड़कर अगर सर्दी के मौसम पे बारिश हो जाएगा तो उससे फायदा नहीं होगा, तो उचित काल पर उचित मात्रा की बारिश होना चाहिए, होने से समृद्धि मिलेगी और ऐसी समृद्धि देने वाली बारिश इस व्रत करने वालों को मिलेगा, ऐसा कहती है। समृद्धि से अगर बारिश होएगी तो क्या होता है, फसल बड़े अच्छे उगते हैं, उसके बारे में गोदा देवी कहती हैं। ओंग पेरुम सेन्नल ऊड़ कयलुगल, सेन्नल का मतलब है फसल, वो फसल कैसे उगते हैं, ओंग पेरुम दोनों मात्राओं से बड़े उगते हैं, इसका मतलब है लंबे भी होते हैं और चौड़े भी होते हैं, एकदम पौष्टिक फसल उग जाते हैं ऐसे समृद्धि वाले बारिश से। और बारिश की समृद्धि इतनी हो गई है कि दो पौधों के बीच के जो जगह है उसमें पानी जम गया है और उस पानी में मछली तैर रहे हैं। इतना ही नहीं, और एक सुंदर दृश्य दिखाती है। पूंगुवळै पोदिल पोरिवंडु कण्पडुप्प, गोदा देवी कहती है इसी पानी के छोटे से जगह में कमल के फूल भी उग रहे हैं और उस कमल फूल के मधु को पीकर वहां के मधुकर सोए हुए आराम से लेते हैं। कितनी समृद्धि होगी अगर बारिश के आए हुए पानी में फूल उग सकते हैं और मछली तैर सकते हैं, इसका हमें अनुमान करना चाहिए। बहुत समृद्धि से अगर बारिश हुआ रहेगा तो ही ऐसा दृश्य को देखना संभव है। ऐसा सुंदर दृश्य गोदा देवी हमारे आंखों के सामने लाके रखती है। ये हुई फसलों की बात। सिर्फ अच्छे फसल नहीं आते अच्छे बारिश से, बल्कि गाय भैंस भी बड़े अच्छे हो जाते हैं। आंडाल कहती है, तेंगा दे पुक्किरिंद सीर्त मुलाई पत्री वांगकुडम निरैकुम वल्लल पेरुम पसुकल। पसुकल का मतलब है पशुएं। पशुएं कैसी हो जाएंगी इस समृद्धि की वजह से, एकदम पौष्टिक हो जाएंगी, पेरुम पसुकल। और ये पौष्टिक पशुएं वल्लल पेरुम पसुकल कहलाती है, इसका मतलब है कि बड़े ही दानवीर पशु होते हैं ये। मतलब यह हुआ कि अगर इनसे दूध लेने के लिए कोई बर्तन रखा जाए तो रखते ही वो पूरा बर्तन भर जाता है, इतना भर भर के दूध देने वाले दानवीर पशु होते हैं ऐसे वल्लल पेरुम पशुकल, ऐसा बोलते हैं।
தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் கா மத்லப் ஹே அகர் தூத் லேனே கே லியே கை பசுவோன் கே பாஸ் ஜாயேங்கே தோ கை பசுவே தோடா ஹட் கர்த்தி ஹே இத்னே ஆராம் சே தூத் தேதி நகி ஹே லேக்கின் யா கோகுல் கி பசுவே ஐசி நகி ஹே आराम से दूध देने वाली गोकुल की पशुएं दानवीर पशुएं कहलाती हैं और यही दानवीर पशुएं समृद्धि को दिखलाती हैं क्योंकि बहुत दूध होने से उस दूध की बिक्री भी उतनी ही अच्छी होगी और उससे बड़ा धन प्राप्त हो जाएगा गोकुल वासियों को। ऐसा धन ऐश्वर्य टिका हुआ ऐश्वर्य बनकर रहेगा, नींगाद सेल्वम बनकर रहेगा, ऐसा कहती हैं गोदा देवी। अब लोगों के पास चाहे कितना भी धन हो लेकिन मन में तृप्ति नहीं होती, उनका मन भरता नहीं उससे, ऐसा मनोभाव रखना ठीक नहीं होगा। इसलिए लोगों का मनोभाव भी ऐसा बदल जाएगा कि उनके पास जो समृद्धि है उससे वे संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, निरैंद हो जाएंगे, ऐसा कहती हैं गोदा देवी। तो यह श्री व्रत के कारण इन गोकुल वासियों को सारी समृद्धि, सुख और शांति प्राप्त होगी, ऐसा इस तीसरे पासुरम में कहा गया है। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।